नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद बाराबंकी थाना रामनगर क्षेत्र चैनपुरवा गांव पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी। गांव में बन रही अवैध कच्ची शराब बंद करवा कर पुलिस अधीक्षक ने मिशन कायाकल्प के तहत करवाया कुटीर उद्योग। पुलिस अधीक्षक इस गांव की कई महीने से कायाकल्प बदलने में लगे रहे। इस गांव में कई संस्था के सदस्य पहुंचकर कई उद्योग करने की कही बात। इस गांव के नाम से पुलिस अधीक्षक ने एक संस्था का रजिस्ट्रेशन भी करने की तैयारी में है। पुलिस अधीक्षक ने इस गांव की संस्था का नाम चैनपुरवा मिशन कायाकल्प फाउंडेशन रखा। इस गांव के लोग शराब न बनाकर अपनी मेहनत से कुटीर उद्योग करके खुश नजर आए। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामवासियों को कंबल व राशन भी किया वितरित। रामनगर बाराबंकी से समीम की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जिन गांव को हम एडॉप्ट करेंगे वहां जुड़े रहेंगे। मैं पुलिस की ओर से अगर कुछ लोगों का नाम लूं, केवल यद्यपि पूरी बाराबंकी पुलिस हमारे साथ थी इस अभियान में, किसी का नैतिक समर्थन था, किसी का समय देकर समर्थन था, लेकिन अगर हम कुछ ही लोगों का नाम लें सिलेक्टेड, तो मेरे जहन में पहला नाम आता है हमारे सीओ रामनगर का, श्री दिनेश कुमार दुबे का। मैं चाहता हूं दिनेश के सामने आ जाएं और उनके लिए भी जोरदार ताली बजाई जाए। लगातार प्रत्येक रविवार और उसके अलावा भी इन्होंने यहां आकर अपना समय दिया। वो बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और इस अभियान से जुड़े रहने की नसीहत दी। बैठिए, मैं आपको बताऊंगा। ये सारे लोग आपकी इस पहल को देखकर आकर्षित हुए हैं और आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगर आप लोग यहाँ कुछ काम करेंगे, कुछ नई सोच के साथ काम करेंगे, ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम करेंगे, तो आपके दिन जरूर बदल जाएंगे। हम यहाँ पर जो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, जो योजना आपके लिए बनाई है हमने, जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह, जो आज कुछ अत्यंत व्यस्तता के कारण हमारे बीच नहीं आ सके हैं, शीघ्र ही हम लोगों के साथ आएंगे और आपसे बात करेंगे। उनके पास आपके लिए संभावनाओं का खजाना है और वो खुद बहुत संवेदनशील हैं। बराबर अपनी गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी को उन्होंने आज यहाँ गांव में भेजा है और निरंतर वो इसके लिए चिंताग्रस्त हैं कि कैसे हम चैनपुरवा गांव का अधिक से अधिक विकास कर सकें। तैयार कर रहे हैं, आपने जिस ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम के साथ काम किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और अपने अतिथियों से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। आपके लगातार प्रयास करने से बहुत शीघ्र आप आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनेंगे और आपका परिवार खुशहाल होगा। मैं यहां उपस्थित सुधी जनों को बताना चाहता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम की जो सर्वोत्तम कार्य जिन्होंने किया, जिस पूरे कार्यक्रम की धुरी है, वो हमारे जनपद बाराबंकी के गौरव युवा मधुमक्खी वाला नाम से विख्यात श्री निमित सिंह है। मैं निमित से आग्रह करूंगा सामने आ जाएं। इस अभियान से जुड़े रहे और शायद सर्वाधिक बार वो गांव में आए। यहां तक कि जब भी लखनऊ से जो टीम्स आई, उनको लेकर भी वो यहां पर आए और लोगों से डायरेक्शन कराया और एक सही जो तस्वीर थी गांव की, उसको मीडिया के माध्यम से समाज के सामने रखने में उनकी अग्रणी भूमिका रही। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। मैं थाना रामनगर के प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक मुख्य आरक्षी, प्रत्येक महिला आरक्षी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी अनुपस्थिति में जिस तरह का रास्ता बनाया, जिस तरह का रिश्ता बनाया गांव के साथ, उससे विश्वास हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे थाने का एक सामान्य कर्मी, एक बीट आरक्षी भी इस गांव में आता है, तो उसे पर्याप्त सम्मान मिलता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। बच्चे हमारी महिला आरक्षियों की बेस ठीक किया, उसको रंगा और दूसरे स्वयं सहायता समूह को दे दिया, उसने उसमें बत्ती लगा के गरम
बीज वैक्स जो मधुमक्खियों द्वारा वैक्स जमा किया जाता है उसको भरा, सुखाया और एक सुंदर दीपक के रूप में उसका रूप सामने आ गया। ये दीपक 2.5 से 3 घंटे जला, अलग अलग लोगों ने इसको टेस्ट किया और 2.5 से 3 घंटे ये दीपक जला। और दीपावली के बाद मेरे पास दर्जनों वीडियो और फोटोग्राफ आ रहे हैं लोगों के प्रशंसात्मक कि ये अद्भुत दीपक थे, अगले वर्ष हमारा ऑर्डर पहले से आप नोट कीजिए। ये 25 दिन की मेहनत में लगभग 4.5 लाख दीपक, कुछ दीपक हमने बिशनपुर में भी बनवाए क्योंकि इनके सपोर्ट की आवश्यकता थी, कहीं कहीं डिमांड ज्यादा हो रही थी, लेकिन कुल 4.5 लाख दीपक और इस गांव को पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिली। प्रत्येक परिवार को 7 से 8 हजार रुपए की आमदनी हुई औसत, जिससे कि इनकी दिवाली बढ़िया बीती। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब द्वितीय रविवार को हम लोग यहाँ आए थे, सामने आ जाए सरोज, जब द्वितीय रविवार को हम लोग गांव में आए थे तो हमारी एक बहन जो बड़ी पीड़ित थी अपनी परिस्थितियों के कारण, उसने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा किया। उसने कहा कि सर आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में, हमें लगता है कि हम अगर इस पर चल सकें तो शायद हमारा भला हो जाए, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उसने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार है, महाजन से उधार ले रखा है, खाने के लिए राशन नहीं है घर में। उसने कहा कि सर आप ये भाषण देकर चले जाएंगे तो मैं फिर आज शाम को उसी धंधे से जुड़ूंगी और रात तक गुड़ गर्म करने का 60-65 रुपए जो हमें मिलेगा उससे हम अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। हमारे अति उत्साही इंस्पेक्टर तत्काल उठे और उन्होंने इस महिला को 1,000 रुपए दिए सभी के सामने और उन्होंने कहा कि अब तुमको 1 सप्ताह तक ये नैतिक साहस नहीं होना चाहिए तुम्हारा कि तुम ये कहो कि खाना न होने के कारण हम शराब बना रहे हैं। और अगले दिन ही इन्होंने एक और बहुत अच्छी पहल की। अभी हम लोग जब गांव में भ्रमण के लिए चलेंगे तो आप देखेंगे कि इस 94 परिवार के गांव में इन्होंने 25 जगह फ्लेक्सी लगाई, अपने प्रभारी निरीक्षक रामनगर और नीचे सीयूजी नंबर लिखा हुआ है। और इन्होंने मन से घोषणा की कि जिस भी परिवार में भोजन न हो वो आदमी हमारे सीयूजी पर फोन करे और 1.5 घंटे के अंदर 1 सप्ताह का राशन उसके घर पहुंच जाएगा। ये आत्मविश्वास जगाने का काम उन्होंने किया और इसी का परिणाम है कि हमारा जो परस्पर विश्वास है वो प्रगाढ़तर हुआ। और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले हम लोग शराब बनाते थे बहुत मतलब बेइज्जती महसूस करते थे, और अब जो हमारे गोपाल साहब ने पहल रखी है हमारे लोगों के लिए, हम लोगों को बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की जिंदगी में आपकी जिंदगी में कैसा महसूस कर रही है? मतलब बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। अच्छा फील कर रहे हैं, क्या आगे भी ऐसे महिलाओं को जोड़ती रहेंगी? जी मेरा तो मतलब हमारे अपने दिल से तो मैं अनुभव कर रही हूँ, जितना जोड़ पाए महिलाओं को, जितना समझा पाए, जितना आगे ले जा पाए, मैं अपने आप को बहुत महसूस कर रही हूँ। अच्छा, इसमें लगभग कितनी महिलाएं इस गांव में इस विकास का फायदा उठा रही, सबको अच्छा लग रहा है? हाँ सर, मेरे गांव में कम से कम जितनी लगभग महिलाएं हैं, लगभग कुल मिला के हम सबको जोड़ लिया, कवर कर लिया है मैंने। अच्छा। और सबको काम करने में बहुत रुचि है, बहुत काम करने के लिए मतलब बहुत उत्साहित रहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरा है। ठीक है। बल्कि पुलिस ने एक पहल की थी और उसे हमने पुलिस चौपाल का नाम दिया था। हमने इस तरह से चंद्रवा को चिन्हित किया कि ऐसा गाँव मिला जहाँ पर मैक्सिमम लोग अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे। 94 में से 90 लोग इसमें लिप्त थे और लगातार ये अवैध काम कर रहे थे। हमारी इच्छा थी कि हम इनको मुख्य धारा में लाएं, जो गलत काम कर रहे हैं उससे इनको एक जीविकोपार्जन का एक नया अवसर दें, और ये पहल बड़ी सकारात्मक रही। गांव के लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे भाव से लिया और हमारा पूरा सहयोग किया। परिणाम ये रहा कि आगामी उस समय दीपावली आने वाली थी
20 वैक्स के दिए बनवा कर अपने इनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया। 4.5 लाख दिए इस गांव में बने और उससे लगभग 5.5 लाख रुपए की आमदनी इस गांव को हुई, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। और इन्हें लगा कि हम मेहनत से, परिश्रम से और ईमानदारी से कुछ आय कर सकते हैं अपनी, उससे उत्साहित होके आज ये महा चौपाल लगाई है। इसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूह के लोग आए हुए हैं और इनको अलग अलग चीजों के संबंध में ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि अगर ये लोग इसी प्रकार से मेहनत करेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इस गांव में खुशहाली आएगी, यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे और गांव में एक अमूल परिवर्तन होगा। वही हमारे मिशन कायाकल्प का प्रयोजन।